ट्वेल्थ क्लास बेटा, हमारा जो नेक्स्ट आज टॉपिक है डेट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर चुके हैं, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर चुके हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट पी जो हो वो एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन पे हो, कहीं भी हो सकता है। सो, अगर हम इस डायपोल SN को कंसिडर करते हैं तो पॉइंट P ना तो एक्सियल लाइन के ऊपर है ना ही इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पर जो पॉइंट P है उसकी जो डायरेक्शन है SN लाइन के साथ, इट मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम द सेंटर। SN लाइन का जो सेंटर है और पॉइंट P वो आपस में यहाँ पर इंक्लाइंड है एंगल थीटा के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं पॉइंट पी के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। एक कंपोनेंट S1N1 कुछ इस तरह से बनाते हैं कि पॉइंट पी उसके एक्सियल लाइन के ऊपर आ रहा है और दूसरा पॉइंट S2N2 मोमेंट का कंपोनेंट इस तरह से होगा कि जो पॉइंट पी है इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आ रहा है। तो अब हम दोनों ही डायपोल, क्योंकि एक डायपोल को हमने दो डायपोल्स में शिफ्ट तोड़ दिया है, एक डायपोल है S1N1, दूसरा डायपोल है S2N2, हम दोनों डायपोल की वजह से पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4π2m cos थीटा ओवर R³ अलोंग P से लेकर K। ये कौन सा आपके पास B1 किस वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है, ड्यू टू डायपोल S1N1, और इसके ऊपर पॉइंट P जो है वो एक्सियल लाइन के ऊपर है। तो एक्सियल लाइन का जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला हम अभी लास्ट टाइम कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m ओवर R³, बट यहाँ पर cos थीटा एक लग गया क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स किए हैं, तो जो एंगल थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है हम उसको cos थीटा मानते हैं, उसकी मोमेंट जो है m cos थीटा बन जाएगी, और जो परपेंडिकुलर है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट m sin थीटा हो जाएगी। तो B1 आपके पास हुआ म्यू नॉट अपॉन 4π2m cos थीटा ओवर R³, डायरेक्शन रहेगी उसकी P से लेकर, ये पॉइंट आपका K है तो P से लेकर पॉइंट K तक। उसके बाद B2 भी उसी तरह से निकालेंगे, वहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन है तो 2 का फैक्टर नहीं लगेगा, m sin थीटा ओवर R³, और उसकी डायरेक्शन होगी P से लेकर L की तरफ। इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन P से लेकर K तक है और ये डायरेक्शन P से लेकर L तक, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। और अगर इन दोनों वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उसका हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1² + B2² और उसका अंडर रूट। B1 की वैल्यू पुट की हमने, B2 की वैल्यू पुट की हमने, उनका स्क्वेयर लेके जब स्क्वेयर रूट लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन R³ दोनों ही टर्म्स में है, तो उनको कॉमन निकाल सकते हैं और उसको स्क्वेयर रूट से बाहर निकाल लिया हमने। अंदर बचेगा 2² cos²θ + sin²θ, तो cos²θ + sin²θ 1 के बराबर होता है, पर यहाँ पर 4 cos²θ है, तो इनमें से एक यूज़ कर लेंगे, sin²θ cos²θ 1 बन जाएगा और 3 cos²θ उसके साथ x जो साथ में बच जाएंगे। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π m ओवर R³ 3 cos²θ + 1 √। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसके बाद क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला है, हमें डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, टैन अल्फ़ा। अगर फिर से डायग्राम के ऊपर अगर आप देखोगे, अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन, ये आपके पास वेक्टर B1 है
और आपके पास B जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा, तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर बी टू है, बी टू डिवाइड बाय बी वन, तो इसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बी टू डिवाइड बाय बी वन, तो बी टू की वैल्यू पुट करोगे, बी वन की वैल्यू पुट करोगे, तो उन दोनों की वैल्यूज़ में से म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ऊपर और नीचे वाला कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, आर क्यूब भी कट जाएगा, और आपके पास जो फाइनली बचेगा वन ओवर टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के बराबर, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू वन ओवर टू टेन थीटा। पर यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करोगे, थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज द एंगल जिस डायरेक्शन में पॉइंट पी है, मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेट है या मैग्नेटिक डायपोल है उसके एक्सिस और पॉइंट पी के बीच का एंगल जो है डेट इज थीटा, बट बी वन और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होगा डेट इज अल्फा। तो ये अल्फा और थीटा के बीच में आपने ध्यान रखना है। सो डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेन अल्फा यूज़ करते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू वन ओवर टू टेन थीटा। डायरेक्शन भी आपने निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है जब भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में से, तो इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट भी करना है और अच्छी तरह से अपने लर्न करना है बेटा।